नमस्कार दोस्तों, एजीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं सचिन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 1 जो कि क्लास 10th का है, जिसका शीर्षक है संसाधन एवं विकास। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसाधन क्या होता है तथा संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन है क्या। संसाधन को आप ऐसे समझ सकते हो, संसाधन का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जो हम उपयोग में लाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, यानी जिनके माध्यम से हमारी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं, उन्हें ही संसाधन कहा जाता है। यानी एक ऐसा मीडियम जिनके द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को यानी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मान के चलिए कि मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप किस लिए करते हैं, बात करने के लिए, किसी से संपर्क करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हमारी वार्तालाप की ज़रूरतों को पूरा करता है, इस कारण से हम इसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अब संसाधन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि इनमें प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, यानी अगर हमारे पास किसी कोई चीज़ उपलब्ध है मान के चलिए, और उसको हम टेक्निकल रूप से उससे कोई भी उत्पाद बनाना नहीं जानते हैं, तो फिर वो हमारी जो संसाधन है किसी काम का नहीं है। जैसे हमारे पर्यावरण में तो हर चीज़ उपलब्ध है, हर चीज़ की उपलब्धता है, हर वो वस्तु जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पर्यावरण से प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम उस वस्तु को बनाने के लिए या उसका उत्पाद बनाने के लिए हम उसमें कोई टेक्निक नहीं जानते हैं, तो वस्तु हमारी संसाधन नहीं हो सकती। पर्यावरण में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारे काम की तो नहीं हैं, क्योंकि हम उनमें टेक्नोलॉजी लगा करके कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। इस कारण से हम हर उस चीज़ को संसाधन नहीं कह सकते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास उसका निर्माण करने के लिए, उससे कोई प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। तो हर वो चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में उपलब्ध है, प्रकृति में विद्यमान है, और जो हमारे उपयोग में आती है या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है, आर्थिक रूप से संभव हो। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ कि जैसे आर्थिक रूप से संभव का अर्थ क्या है, तो जो वस्तुएं हमारे आसपास उपलब्ध हैं जिनसे हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो इकोनॉमिक रूप से यानी बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए कि हम उन्हें खरीद भी ना सकें, या ऐसी भी ना हो कि हम कोई भी जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो जो है इतना ज़्यादा उसका मूल्य हो जाए, उसका खर्च ही इतना ज़्यादा हो जाए कि उसे हम मार्केट में बेच तक ना सकें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत संसाधनों की क्या है कि वो प्रौद्योगिकी उसमें उपलब्ध हो, और दूसरा क्या है कि आर्थिक रूप से संभव भी हो। यानी जिसका कच्चा मटेरियल हम बनाने जा रहे हैं, जो कच्चा माल उपलब्ध होगा, उसकी उपलब्धता इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो महंगा भी ना हो, और उससे जो हम प्रोडक्ट बनाएं उसकी कॉस्ट भी हाई ना हो। अगर मैं बात करूं जैसे पर्यावरण में हमारे पास गोल्ड उपलब्ध है, अब गोल्ड हमें पता चला कि उपलब्ध है, और गोल्ड की खुदाई में हमें लग गए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे पास 1 लाख का ही सोना बचा, उसमें हमारा लॉस हो गया। तो ऐसे संसाधन की ज़रूरत भी हमें नहीं है, हमें ऐसे संसाधनों की ज़रूरत है जो इकोनॉमिक रूप से भी संभव हो। देखिए, गोल्ड तो है, ठीक है, हमारे पास उपलब्ध एक संसाधन है, वो भी हमें आवश्यक रूप से ज़रूरत है, हमें उपलब्ध भी है, और हम उसका यूज भी करना जानते हैं, और वो हमें हमारे लिए आवश्यक भी है। लेकिन जब हमारा खर्चा ही इसमें सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा, तो हम इसका, इस गोल्ड का करेंगे क्या, क्या बना देंगे इसका, भाई 10 लाख इसमें हमारा खर्च हो जाएगा, और उसके बाद हम 1 लाख का प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो इसमें तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसमें मेन जो ज़रूरत है कि जो हमारा संसाधन हमारे सामने उपलब्ध हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि उसमें एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध होना चाहिए, साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से भी महंगा नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करते हैं कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो।
सांस्कृतिक रूप से मतलब ये होता है कि हमारा कल्चरल जो हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास के क्षेत्र में जिस प्रकार की कल्चरल या सभ्यता है उसमें भी वो सर्वमान्य होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि आजकल देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रकार के कपड़े आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आजकल आपने देखा होगा फटी जीन्स आती हैं, फटे कपड़े आते हैं, लेकिन फैशन के हिसाब से तो वो ठीक है कि हमारे लिए भी वो एक संसाधन है, सोर्स है, क्योंकि हम उसको पहनते हैं, लेकिन क्या हमारे समाज में उसको सर्वमान्य किया गया, हर नागरिक द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, या जो संसाधन हमारे पास है उसमें वो सांस्कृतिक रूप से उस क्षेत्र में मान्य है अथवा नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से हमने जाना कि संसाधन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच किस प्रकार का संबंध है। चलिए देखिए, कोई भी वस्तु जो है जो हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में उपलब्ध है उसमें प्रौद्योगिकी और संस्थाएँ किस प्रकार से मनुष्य उनमें संबंध दर्शाता है, मनुष्य का उनसे संबंध है आपस में, इन सभी चीज़ों से किस प्रकार से कनेक्टेड है, चलिए समझते हैं। जैसे देखिए पर्यावरण में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे मान के चलिए लकड़ी उपलब्ध है, अब लकड़ी से हमें कोई चीज़ बनाना है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी लगाएगा वो कौन लेके आएगा, मनुष्य लेके आएगा। और इसी प्रकार से जब उन प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगे तो जब हम उन्हें मार्केट में लेके जाएंगे, मार्केट में ले जाने से पहले हम उनको क्या करेंगे, संस्थाओं में अपने मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, उनका निर्माण करेंगे, तो ये सारे काम कौन करेगा, मनुष्य करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं से प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी लगा करके कोई उत्पाद का निर्माण करना और उसके बाद उनको संस्थाओं के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का कार्य कौन करेगा, मनुष्य करेगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पर्यावरण से प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी से संस्थाओं में पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, मनुष्य के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो तीनों चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे के संबंध को दर्शाती हैं। अभी हमने समझा कि प्रकृति और संस्थाओं और उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी जो है उनके बीच में किस प्रकार से संबंध है। चलिए अब इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का संबंध होता है किससे, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं से। ठीक है, तो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अंतर्गत हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रिया संबंध में निहित है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे जो रूपांतरण शब्द आया है, रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज करना यानी बदलाव करना। जो हमारे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में कोई वस्तु यानी कच्चा माल जो उपलब्ध है उससे हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं, कच्चा माल से एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएं वो क्या है, उसके उसके जो बदलाव की प्रक्रिया, उसको चेंज करना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, वही क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर कहें जैसे हमारे पास लकड़ी उपलब्ध है, लकड़ी उपलब्ध है यानी बूट, और लकड़ी से हमने क्या बना दिया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दिया, चेयर बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, रूपांतरण कहलाएगा। किसका, किसके रूप में, लकड़ी का चेयर के रूप में, यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो गया, चेयर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अंतर्गत हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। यानी जो हमारे पास कच्चा माल जो उपलब्ध है हमारे प्रकृति में यानी हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करके फिर उसे कहाँ ले जाते हैं, संस्थाओं में ले जाते हैं, काय के लिए, अपनी मार्केट की सेल को बढ़ाने के लिए, यानी एक मार्केट में लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसी कच्चा माल से जो प्रोडक्ट हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहाँ ले जाते हैं, अपनी संस्थाओं में ले जाते हैं, और इस प्रकार से हम संस्थाओं के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकृति का जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध वस्तुएँ हैं उनसे किसका, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनमें जो हमने बदलाव किया उससे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, और उन ट्रांसफॉर्मेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको संस्थाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इनका तीनों का आपस में क्या होता है, संबंध निहित होता है।
चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे क्या आप संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? देखिए, हमारे पास जो चीज़ें प्रकृति से उपलब्ध हो करके जिन्हें हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकृति का उपहार ही है। ऐसा हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, क्योंकि जैसे मान के चलिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन से आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, उससे चैट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति में एक ऐसी चीज़ हमारे पास उपलब्ध हुई थी जिसको हमने क्या कर दिया, संसाधन बना दिया। तो ये हमारे पास किसी गॉड गिफ्टेड से कम तो नहीं है। तो इस प्रकार से हर कोई संसाधनों को क्या मानता है, गॉड गिफ्टेड, यानी प्रकृति का उपहार मानता है। चलिए नेक्स्ट है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन जो है, मनुष्य ने कोई क्रिया किया, उसमें टेक्नोलॉजी लगाई, प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनका एक फाइनल प्रोडक्ट बना करके सबके सामने लाया, तो ये जो कार्य है ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा हुआ, यानी मनुष्य द्वारा किया गया। इस कारण से संसाधन को मानवीय क्रियाओं का परिणाम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, कच्चा माल, उनसे हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रोडक्ट, हमारे पास कच्चा माल था, उससे हमने क्या बना दिया, उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। नेक्स्ट है, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मनुष्य किस प्रकार से एक संसाधन है, क्योंकि देखिए मनुष्य एक संसाधन है, क्यों है, क्योंकि मनुष्य जो है देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, देश को विकास या विकसित ले जाने में सबसे बड़ा रोल कौन सा, किसका है, मनुष्य का है। इस कारण से मनुष्य को भी क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से चार प्रकारों में डिवाइड है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा सामाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास स्तर के आधार पर। बात करें हम उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। सामाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर जो संसाधन होते हैं, वह चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए अगला है विकास के स्तर पर संसाधन। जो विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं, वो हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभावी संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा भंडार, और चौथा संचित। आज की इस वीडियो में हमने संसाधन तथा उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्रकारों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।